जन्म कल्याणक दिवस है। प्रातः काल से जन्म कल्याणक का भव्य जुलूस अयोध्या नगरी से चलकर के पांडुक वन की पांडुक शिला पर सौधर्म इंद्र के द्वारा 1008 कलशों के माध्यम से अभिषेक हुआ, जिसमें सहस्त्राधिक लोगों ने भाग लेकर के जिनाभिषेक किया। संध्या काल में बाल कुंवर ऋषभदेव की बाल क्रीड़ा एवं पालना झूलन का मनोरम दृश्य उपस्थित होगा। कल दोपहर में अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय का दरबार और उसमें विभिन्न देशों से 32 मुकुटबद्ध राजाओं द्वारा भेंट समर्पण होगी। बहुत ही मनोरम दृश्य जो है उस समय उपस्थित होगा। राज्याभिषेक और फिर ऋषभदेव का वैराग्य का प्रसंग लोकांतिक देवों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसी के साथ ही बालकुंवर बड़े होकर के अपनी राज्य व्यवस्था का संचालन भरत और बाहुबली को सौंप करके वैराग्य लेकर के दीक्षा वन की ओर गमन कर जाएंगे। अगले दिन 16 जून को 15 जून को भव्य समूषण की रचना और 16 जून को मोक्ष कल्याणक होगा, जिनके नख और केस इत्यादि का विसर्जन करने के लिए अग्नि कुमार देव स्वर्ग से चय करके आएंगे। इस प्रकार से भव्याति भव्य ये महापंच कल्याणक महोत्सव। मैं डॉक्टर विमल कुमार जैन और पंडित मुकेश कुमार जी शास्त्री एवं पंडित श्री सुरेश कुमार जी शास्त्री के निर्देशन में इस भव्य पंच कल्याणक की रूपरेखा चल रही है। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जयपुर में हो रहा है, किन दृष्टियों से ये विशिष्ट है कुछ आप बताएंगे? जयपुर महानगर का हृदय स्थल है भट्टारक जी की दशिया, और यहाँ विगत लगभग ऐसा सुनने में आता है कि 300 से 350 वर्ष प्राचीन ये मंदिर है। भट्टारक जी के समय में ये मंदिर बनाया गया था। जब यहाँ प्रबंधकारिणी कमेटी ने विचार किया कि मानस्तंभ का होना आवश्यक है, और मानस्तंभ प्रबंधकारिणी कमेटी के द्वारा विचार करके यहाँ निर्मित किया गया, जिसका निर्माण श्री नानक राम जी के परिवार द्वारा कराया गया, आर्थिक सहयोग उनके द्वारा प्रदान किया गया। आज ये पंचकल्याणक महामहोत्सव बहुत विशाल रूप से संपन्न होने जा रहा है, और प्रत्येक कार्य में पूरे शहर सहित अन्य नगर के लोग आकर के इस पंचकल्याणक महोत्सव का आनंद ले रहे हैं, पुण्य अर्जन कर रहे हैं। तो
Thank you.